ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उससे रिलेवेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती हैं, एचआर मैनेजर्स की ड्यूटीज़ आमतौर पर क्या ड्यूटीज़ होती हैं जो एचआर मैनेजर्स आमतौर पर परफॉर्म करते हैं, देन वी हैव दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, देन वी डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड फाइनली विल डिस्कस द फंक्शंस रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो लेट्स स्टार्ट. एनीवन फ्रॉम यू कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? कोई बता सकता है कि एचआर क्या होती है? कोई आप में से, आपके जहन में, क्योंकि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप लोग देखते होंगे वहाँ एचआर क्या करता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एचआर, और इसके हवाले से कोई आप, अगर आप में से कोई अपने कमेंट देना चाहे, कुछ बोलना चाहे. यस, कोई? यस जी हाँ यस साहब. सर, सर एचआर मैनेजर एचआर, बिल्कुल एक कंपनी की बैकबोन की तरह काम करता है। इनके बगैर कंपनी में मेरे ख्याल से कोई कोई काम बेहतर तरीके से काम तो होएगा, लेकिन कोई काम बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। जैसे नए नए एम्प्लॉयज को हायर करना, कंपनी के लिए कोई नई हायरिंग हो तो उसके एड्स वगैरह चलाना, सैलरी वगैरह भी यही लोग मेंटेन कर रहे होते हैं, बोनस वगैरह भी एम्प्लॉयज के कहना देख रहे होते हैं। ओके ठीक है. ओके एनीवन एल्स? जी सर, एचआर का काम बेसिकली होता है यही है कि नया जो भी मतलब किस टाइप पे किस बंदे को ना असाइन करना है, वर्क भी असाइन वही करता है, और जो भी नया बंदा अपना जॉब के लिए अप्लाई करता है उसके इंटरव्यू लेना और उसकी ट्रेनिंग करना किस तरह से होगी वो सब देखना। फिर सैलरीज के हवाले से भी देखा जाता है कि सैलरीज किस जगह पे किस टाइम पर देनी है और मतलब बोनस कितना इंक्लूड होगा, ये सब चीज़ें भी एचआर मैनेजर ही डिसाइड करता है। ओके थैंक यू. ओके जी, एनीवन एल्स? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी आवर फर्स्ट स्लाइड व्हिच इज रिलेटेड टू द टर्मिनोलॉजीज जो कि हम आमतौर पर एचआर में इस्तेमाल करते हैं. उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने ऑलरेडी स्टार्ट में पढ़ ली थी, दैट जैसा कि इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हमने बता लिया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अब मैनेजर्स कौन होते हैं, कोई बताया गया? व्हाट मैनेजर्स का क्या काम होता है और ये कौन होते हैं, क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स? यस फाइक नासिर, जरा बताइए मैनेजर्स क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? सर, मैनेजर्स का मेन रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेज करते हैं सब कुछ, और एम्प्लॉयज को अलग अलग उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ज़्यादा कि मैनेज कैसे करें, हर मंथली उनके ऊपर टारगेट्स मिलते हैं उनको कवर करना पड़ता है। ओके, इट मींस मैनेजर्स हैविंग द रोल टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड गेट देयर वर्क डन इन टाइम टू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज मैनेजर. ठीक यस है, यस मैनेजर क्या करता है कि काम को या ऑब्जेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके स्टैंडर्ड डिजाइन करता है और फिर अपने एम्प्लाईज को मोटिवेट करके, उन्हें कंट्रोल करके उस उन कामों को कंप्लीट कराता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो. देन वी हैव मैनेजमेंट फंक्शंस. कितने फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के भाई, आप लोगों ने पढ़े? ये रिकॉल करें जरा, हमने, ये हमारा मैनेजमेंट का कोर्स है तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, कौन बताएगा? ये भूल तो नहीं गए आप लोग? सर, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग. वेरी गुड हसन, गुड. तो ये फोर फंक्शंस हमने अभी तक पढ़े हैं जो कि हमने मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा उसके अंदर. फिर हमारे पास है अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इज बेसिकली द पावर. अथॉरिटी जो है वो एक पावर है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी काम को आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोई काम आप करा सकते हैं. दैट्स कॉल्ड अथॉरिटी. देन वी हैव द लाइन अथॉरिटी एंड द स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी. लाइन अथॉरिटी का मतलब यह है कि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उनको जो अथॉरिटी दी जाती है
जैसा कि आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके पास जो अथॉरिटी होती है टू मैनेज देयर एम्प्लॉइज, वो लाइन अथॉरिटी कहलाती है। फंक्शनल या स्टाफ अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिसमें वो डिपार्टमेंट जिसमें एचआर है या फाइनेंस है, जो बैक ऑफिस में डिपार्टमेंट होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं उनके पास जो अथॉरिटी होती है आमतौर पर उस अथॉरिटी को हम स्टाफ अथॉरिटी कहते हैं। फिर फंक्शनल अथॉरिटी होती है जो कि पूरे एक डिपार्टमेंट को चला रहा होता है, जिसमें एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, इस डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो कंपनी की तरफ से उन्हें अथॉरिटी दी जाती है उसको फंक्शनल अथॉरिटी कहते हैं। फिर ये मैनेजर्स हैं, इसमें लाइन मैनेजर्स हैं और स्टाफ मैनेजर्स हैं। लाइन मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो कि आपके सुपरवाइजर्स होते हैं और जो जिनके डायरेक्टली अंडर कंट्रोल आप काम करते हैं। और दूसरा स्टाफ मैनेजर वो लोग होते हैं जो कि किसी को एडवाइस करते हैं, जिसमें एचआर मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर आमतौर पर स्टाफ मैनेजर में इनका शुमार होता है। दीज आर द फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको अंडरस्टैंड करना जो है वो इम्पोर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि एचआर मैनेजर जो है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। ओके, एक एचआर मैनेजर्स की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ये तीन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एचआर मैनेजर्स की। तो उसमें नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे पास नज़र आ रही है। वासिफ मिराज ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वासिफ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एचआर मैनेजर्स की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, यानी एचआर प्रोफेशनल एचआर मैनेजर्स की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। एचआर मैनेजर्स हैज थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूटीज़, जिसमें नंबर वन अलाइन फंक्शंस, नंबर टू कोऑर्डिनेटिव फंक्शंस एंड नंबर थ्री स्टाफ फंक्शंस। तो हम जो है सबसे पहले लाइन फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि लाइन फंक्शन क्या होता है। लाइन फंक्शन जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि लाइन फंक्शन, लाइन मैनेजर्स मीन वो मैनेजर्स जो अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहे होते हैं उनको जो है वो लाइन मैनेजर्स कहते हैं। इसी तरह एक एचआर मैनेजर जो होता है, जब वो अपने ही डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता है, अपने जो उसके डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे होते हैं उन लोगों को जो है गाइड करता है, उन लोगों को डेवलप करता है अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को, तो वो उसका लाइन फंक्शन कहलाता है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब जो है एचआर मैनेजर की, वो उसके अपना जो डिपार्टमेंट है जिसको हम एचआर डिपार्टमेंट कहते हैं, उस डिपार्टमेंट को के लोगों को से काम लेना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें डेवलप करना, ये एचआर मैनेजर्स का काम है एज ए लाइन फंक्शन। देन एचआर मैनेजर जो है सेकंड उसकी तरफ बढ़ता है, जो कि इसका सेकंड वर्क है, दैट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिव फंक्शन। क्योंकि एचआर खुद कुछ भी नहीं है, क्योंकि एचआर के अंदर अपना कोई खास काम नहीं होता, वो आमतौर पर जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प आउट कर रहा होता है और उनके लिए काम करता है। इसलिए उसको कोऑर्डिनेशन करनी होती है उन तमाम डिपार्टमेंट से, जिसमें एम्प्लाईज से कोऑर्डिनेशन करेंगे, लाइन मैनेजर से कोऑर्डिनेट करेंगे और जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। और इन दोनों की कोऑर्डिनेशन, यानी एम्प्लाईज और मैनेजर की कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करेंगे, एम्प्लाईज और मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करेंगे, लाइन मैनेजर्स और टॉप मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करेंगे, ताकि इनका रिलेशनशिप जो है वो एक बेहतर और अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो। तो ये दूसरा जो है वो दूसरी ड्यूटी है जो कि किसकी है, एचआर मैनेजर की, कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे विद द लाइन मैनेजर्स, एम्प्लाई एंड द टॉप मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इन टर्म्स ऑफ द रिक्रूटमेंट, इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग रिलेटेड टू देयर एम्प्लाईज, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन, इन चीज़ों के हवाले से कोऑर्डिनेशन जो है वो होगा लाइन मैनेजर्स के साथ। देन वी हैव अ स्टाफ फंक्शन। स्टाफ फंक्शन का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट दे ऑल्सो प्ले द एडवाइजरी रोल एज वेल। अगर कोई लाइन मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट में लोग किसी प्रॉब्लम में हैं जो कि उनसे सॉल्व नहीं हो रहा,
HR manager can help to solve that the issue which having by the line managers or the top management or the corporate managers. तो ये एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है. तो पहला आपके पास जो है ये अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करता है. नंबर टू ये दूसरे डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि उनके मसाइल को हल किया जाए, यानी उनके जो रिक्रूटमेंट के, उनके जो सिलेक्शन के, उनके जो ट्रेनिंग के या बाकी जो इश्यूज हैं उनके हवाले से उनके उनके मसाइल को सुने और उनको हल करें. एंड फाइनली स्टाफ फंक्शन जो है वो दैट इज रिलेटेड टू द एडवाइजरी ऑफ द मैनेजमेंट. तो टॉप मैनेजमेंट जो है उसकी जो एडवाइजरी है उसको एडवाइजेस देना या लाइन मैनेजर्स को जो एडवाइजेस देना है वो भी इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है जो कि आप इसके अंदर आप करेंगे स्टाफ फंक्शन के अंदर. अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे. इस इन तीन फंक्शन में कोई भी फंक्शन आपको समझ में ना आया हो मैन ड्यूटीज में से तो आप पूछ सकते हैं. ये तीन ड्यूटीज हैं जो कि आपके सामने, आप इनमें से कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें प्लीज. जी आजम उल हक, आपको ये तीनों स्लाइड समझ में आ रही है? आजम आजम उल हक, आजम हमारे पास होते भी हैं लेकिन बोलते भी नहीं है, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ. भाई आजम कोई प्रॉब्लम है बोलने में तो लिख दो, क्या मसला है आपका, माइक खराब? नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं सर मौजूद है. आपको मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ आप बोल ही नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर मैं जरा थोड़ा बोला था फिर आप ऑफ कर गए. नहीं सर वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम ना. अच्छा ओके, तो ये बताएं कि आप प्रेजेंटेशन देंगे आज? नहीं सर मैं जरा थोड़ा मेरे कुछ इश्यूज चल रहे हैं घर में तो इस वजह से मैं थोड़ा वो हूं. आपने शायद पहली प्रेजेंटेशन भी नहीं दी मेरा खाली. यस सर लास्ट टाइम भी नहीं दी थी मैंने. तो फिर कैसे होगा ये, आपकी दोनों असाइनमेंट्स अभी बाकी हैं जो कि अभी तक आपने नहीं दिए, तो ये मसाइल कब तक आपके हल हो जाएंगे? सर बस कोशिश कर रहा हूँ जल्द हो जाए, थोड़ा मसले में हूँ अभी, मेरा कोविड भी पॉजिटिव आया हुआ है तो थोड़ा इसीलिए इशू है मेरा. अच्छा अच्छा, चले अल्लाह खैर करे. ओके जी हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स या उसे रिसोर्सेज भी हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, इंटेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं और उसमें ह्यूमन रिसोर्स होता है. तो फिजिकल रिसोर्सेज में यू नो कि आपके पास बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपके फिजिकल रिसोर्सेज में आती है. फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपके पास जो फाइनेंस अवेलेबल है वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपके पास कैपिटल है आपकी कंपनी का, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज में है, ये आपके पास अवेलेबल जो अमाउंट है दैट्स कॉल्ड द फाइनेंशियल. देन वी हैव द इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल मीन आपके पास कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी के लिए, या आपका इमेज जो आपकी कंपनी का जो है वो बहुत अच्छा है, यानी प्रोडक्ट इमेज बहुत अच्छा है, या एज ए एम्प्लॉयर आपका इमेज बहुत अच्छा है, दैट इज ऑल्सो द रिसोर्स फॉर द कंपनी के उस रिसोर्स को इस्तेमाल करके वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं. देन वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स, द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इन चारों रिसोर्सेज में से विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, कौन सबसे पहले शेयर करना चाहेगा एज ए वॉलंटियर, कौन बताना चाहेगा कि भाई इन चारों रिसोर्सेज में से सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन सा होता है? सर मेरे लिहाज से तो दो फैक्टर्स इसके अंदर से अब तक के इम्पोर्टेंट लग रहे हैं. नंबर वन प्रायोरिटी पर तो मैं अगर सिक्वेंस वाइज चलेंगे तो ह्यूमन और फाइनेंशियल को ही मैं प्रेफर करूंगा. जब तक ये दो पोस्ट आपके पास नहीं होंगे तो फिर आगे फिर प्रोसीड नहीं कर सकते.
ठीक है, अगर इनमें से किसी एक की बात करें तो फाइनेंशियल सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि फाइनेंशियल में ही मेन है। अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल इम्पोर्टेंट होगा, वेरी गुड। और कोई? ये सर फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट होगा, अगर अगर इन दोनों में से अगर सिलेक्ट करना हो मैं ह्यूमन में से और फाइनेंशियल में से, क्योंकि अगर फाइनेंशियल नहीं होगी आपके पास सपोर्ट तो आप रिसोर्स का क्या करेंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स तो होगी काम भी इसी तरीके इसी बेस पर करेगी अगर आपके पास फाइनेंश। ओके ठीक है ठीक है, और कोई? आसिफ खान आप बताइए। आसिफ खान आप क्या कहते हैं कि इन चारों रिसोर्सेज में से सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? ठीक है जी, जी आसिफ बोले। सर बहुत शोर हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में। आपके यहाँ शोर हो रहा है, चलें जी कोई बात नहीं। तो अच्छा मैं आप लोगों से थोड़ा एज यू नो कि मैं आप लोगों से थोड़ा डिफर करता हूँ इस हवाले से, पहले भी शायद हमारी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मेरे नज़दीक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक ह्यूमन कैपिटल यानी एक जो ह्यूमन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आप अगर बहुत कॉम्पिटेंट हैं तो फाइनेंस जनरेट करना इज नॉट सो मच डिफिकल्ट। जैसा कि फर्ज करो कि आप एक छोटा सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या कुछ ऐसे हैं, तो आप विदाउट एनी कॉस्ट अगर आप में कैपेबिलिटी है तो बगैर पैसे के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने अभी अपने सामने एक केस जो है वो पार्क व्हील का पड़ा है, जो कि बिल्कुल इनिशियल लेवल पर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट किया गया एज ए स्टार्टअप के तौर पर, तो और बाद में फिर उसको बढ़ाकर जो है बड़ा कर दिया गया। इसी तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और दुनिया के जो टॉप तरीन लोग हैं वो जो है बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे, जो कि जैसा कि एक दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिसमें मैकडोनल्ड है के जो ओनर थे, KFC के जो ओनर थे, या डकन एंड डोनर्स है उसके जो ओनर्स है, ये कोई बहुत अमीर तरीन आदमी नहीं थे, लेकिन आज दुनिया में इनके बिजनेसेस हैं इतने बड़े बड़े, जिससे जो है वो बिल्कुल एक छोटे से स्टार्टअप से इन्होंने शुरू करके अब दुनिया के अंदर टॉप उसमें चले गए हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ह्यूमन अगर कैपेबल हो तो उसको फाइनेंस जनरेट करने में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है लेकिन आप इनकैपेबल हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है उस फाइनेंस को प्रॉपर यूटिलाइज करने की, तो आप वो पूरा पैसा जो है ज़ाय कर देंगे। आप लोगों के सामने ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल आए कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनके पास बहुत पैसा था लेकिन अचानक से वो बंद हो गई, दुनिया से गायब हो गई। उसकी असल रीज़न यही थी कि उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे थे वो इनकैपेबल थे, जिसकी वजह से वो दुनिया से गायब हो गई। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किसी भी कंट्री का बहुत अहमियत का हामिल है, अगर उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की जाए, ह्यूमन को प्रॉपर डेवलप किया जाए, उसकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग के ऊपर वर्किंग की जाए, तो फाइनेंस जनरेट करना उस कंट्री के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, वो कर सकता है। अगर आपके पास कैपेबल लोग हों, कॉम्पिटेंट लोग हों और ईमानदार लोग हों, तो जो है करप्शन ना करने वाले लोग हों, तो आप जो है बड़ी आसानी के साथ अपने कंट्री को या अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। आपके सामने पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसमें फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर ये लोग करना चाहें तो ये लोग फाइनेंस को खा रहे हैं इनकैपेबल लोगों की वजह से, या हमारा मुल्क जो है बिल्कुल नीचे से नीचे चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हम और मज़ीद फाइनेंशियल उसके अंदर धंसे जा रहे हैं। हर साल कितना बिलियन ऑफ डॉलर्स है वो पैसा उधार लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा ज़ाय हो जाता है, प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो पैसे की नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम फिर पीछे जो है वो चले जाते हैं और एक और प्रॉब्लम में अगर जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मेरे नज़दीक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इवन फॉर एनी नेशन। अगर उस नेशन के लोग जो है
अच्छे नहीं होंगे, कैपेबल नहीं होंगे, तो वो नेशन कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकेगी. एंड दैट इज माई कमेंट. और मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल एंड द कोर कॉम्पिटेंसी. ये दो टर्मिनोलॉजीज आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं एचआर या मैनेजमेंट के अंदर. एक तो होता है ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा जी, ह्यूमन कैपिटल तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस और उनका मोटिवेशन टूवर्ड द वर्क जो है, दैट्स कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल. यानी अगर आप अपना ह्यूमन कैपिटल कैलकुलेट करना चाहें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना ह्यूमन कैपिटल है, तो आप अपने लोगों का नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस और उनकी मोटिवेशन का लेवल चेक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ह्यूमन कैपिटल आपके पास अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, आप लोगों से ही मेरा सवाल है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 लोग काम करते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके यहाँ 100% जो है वो ह्यूमन कैपिटल है, या जो है वो 100% ह्यूमन कैपिटल है? कोई कह सकता है ये कि आपके अगर 100 लोग हैं तो क्या वो 100% आपके यहाँ ह्यूमन कैपिटल होगा? फैक नासिर, आप जरा बताइए. सर डिपेंड करता है कि जो आपके पास वर्कफोर्स है वाकई में उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनके अंदर टैलेंट है जो मतलब आपको आगे तक लेके जाए. अगर आपके एम्प्लॉइज, अगर आपके यहाँ जो है वो लोगों की तादाद तो है 100 लोग, लेकिन अगर उसमें इनकैपेबल लोग हैं तो फिर डेफिनेटली जो है जितनी इनकैपेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी उतना ह्यूमन कैपिटल का लेवल कम से कम होता चला जाएगा. तो ह्यूमन कैपिटल के लिए ये जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, ये अगर आपके लोगों में मौजूद है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, यानी जिस जॉब के लिए उसे रखा गया है उसके अंदर वो सारी स्किल्स, नॉलेज और मोटिवेशन अवेलेबल है उस जॉब करने के लिए, तो 100% होगा. अगर नहीं है तो डेफिनेटली उसकी जो है जो परसेंटेज है और कम हो जाएगी. ये तो ह्यूमन कैपिटल था. देन वी हैव द कोर कॉम्पिटेंसी. कोर कॉम्पिटेंसी असल में ऑर्गेनाइजेशन इसलिए रखती है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं या ये वो कैपेबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, या इवन इंडिविजुअल की भी हम बात कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के पास ये वो कैपेबिलिटीज होती हैं जिसके थ्रू वो कंपेटिटिव एज हासिल करता है ओवर कंपेटिटर्स. फॉर एग्जांपल आपके पास, किसी के पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी है जो आपके अपने साथी के पास नहीं है, तो इसका मतलब है आपको उसके ऊपर कंपेटिटिव एज होगा अपने साथी पर कि आपको ये ज़्यादा बेहतर आता है. फॉर एग्जांपल किसी की स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी है, तो आप ये कह सकते हैं कि यू हैव द एज, यू हैव द यूनिक कैपेबिलिटी देन द अदर कोलीग्स. तो आप उस यूनिक कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करके आप कंपेटिटिव एज हासिल कर सकते हैं, कंपटीशन को विन कर सकते हैं. तो अ यूनिक कैपेबिलिटी दैट क्रिएट्स हाई वैल्यू एंड डिफरेंशिएट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स. तो ये वो कैपेबिलिटी होती है जो यूनिक और डिफरेंट होती है और आप जो कि उनको अपने कंपेटिटर से अलग करती है. तो जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास नया क्या है, क्या डिफरेंशिएट आप करेंगे उन लोगों में जो कि करंट इस वक्त अवेलेबल है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और आप जो आ रहे हैं तो आप के अंदर क्या कैपेबिलिटी है ऐसी जो कि डिफरेंट है आपके कंपेटिटर्स के साथ, कंपेटिटर्स. तो ये जो है कोर कॉम्पिटेंसी है, यानी यूनिक कैपेबिलिटी जो कि आप में डिफरेंशिएट क्रिएट करें फ्रॉम योर कंपेटिटर, दैट्स कॉल्ड द कोर कॉम्पिटेंसी. देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. What is human resource management? Human resource management की definition है कि human resource management is to make the most productive use of human resource to the greatest benefits of the organization and individual. यानी human resource management क्या होता है, ये जो लोग हैं human resource यानी employees है, उनको उनका ज़्यादा से ज़्यादा productive use करते हैं ताकि organization के benefits के लिए और individual के benefits के लिए काम किया जा सके.
जैसा कि इंडिविजुअल मतलब एम्प्लाइज और ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपकी फर्म. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मेक द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल. तो एचआर का यही काम होता है कि वो जो हमारे पास लोग अवेलेबल हैं, एम्प्लाइज अवेलेबल हैं, उनसे मैक्सिमम जो है वो आउटपुट ले, उनके मैक्सिमम उनकी यूटिलाइजेशन करे, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो और जो एम्प्लाइज वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो. अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा जी? ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट होगा कि प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगी और सोशल कमिटमेंट जो है उसकी बढ़ेगी. जो सोशली लोग उसको बेहतर समझेंगे, अच्छा समझेंगे, वो लोगों पर पैसा लगाएगी सोशली. जो CSR के प्रोग्राम्स होते हैं उस पर ऑर्गेनाइजेशन पैसा इन्वेस्ट करती है, जिससे उसकी सोशल जो कमिटमेंट है वो पूरी होती है और उसका इमेज सोसाइटी में बेहतर होता है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो बेहतर होता है और उसकी प्रोडक्ट को लोग सेल जो है उसकी ज़्यादा करते हैं, परचेज ज़्यादा करते हैं उसके प्रोडक्ट को. तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए होता है. इंडिविजुअल का बेनिफिट ये है कि वो उनकी डेवलपमेंट और अचीवमेंट के लिए काम करते हैं. डेवलपमेंट का मतलब है कि आप उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो है वो आप करते हैं, उनके लिए रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन की बात करते हैं, उनकी प्रमोशन के हवाले से जो है वो आप डिस्कस करते हैं, उनकी कंपनसेशन सैलरी उसके हवाले से बेनिफिट होता है. अगर देखें आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के बगैर जो है खुद को डेवलप नहीं कर सकते या खुद को ग्रो नहीं कर सकते. आपको जो ग्रो करना है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रो करना है. अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो ही आप ग्रो करेंगे. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रही तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बाद जब कुछ नहीं होगा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से जो है वो देगी. इसलिए अगर आपने ग्रो करना है तो यू शुड ग्रो विद बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आप अपना कंट्रीब्यूशन करें मैक्सिमम अपने इदारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपकी डेवलपमेंट हो और आपकी जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स के ऊपर आपका इदारा जो है वो काम करे. एंड अदर डेफिनेशन वी हैव दैट इज द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द पीपल. जो लोग वहां काम कर रहे होते हैं उन से रिलेटेड पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाना, ताकि उन लोगों को कैरी आउट किया जा सके, उनसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके, उनको प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सके. एंड अदर डेफिनेशन वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द डिजाइन ऑफ द फॉर्मल सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन टैलेंट टू अकम्पलिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. इस डेफिनेशन के अंदर ज्यादा फोकस जो है इस बात पर है कि HR जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे ह्यूमन टैलेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर फोकस किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके. तो इस डेफिनेशन का पूरा फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर है, जबकि हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी ये वाली डेफिनेशन, इसका फोकस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं है बल्कि इंडिविजुअल्स पर भी है. क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए. एक कोट है जिम कॉलन का जिसने बुक लिखी है गुड टू ग्रेट, वो कहता है जी पीपल आर नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स, द राइट पीपल आर. यानी जो सारे के सारे लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो आपके लिए एसेट्स नहीं होते हैं, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो राइट होते हैं, तो उनको हम एसेट्स कह सकते हैं. इसलिए सब के सब लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में एसेट नहीं होते हैं. तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके यहाँ कौन एसेट है और कौन लाइबिलिटी है. दैट इज इम्पॉर्टेंट. ये हमारा सेशन एंड हो रहा है, हम दोबारा अगले सेशन में फिर मिलते हैं. तो आपने ये याद रखना है कि आपके यहाँ कुछ लोग लाइबिलिटी होते हैं और कुछ लोग जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स होते हैं. जो लाइबिलिटी है उनको एसेट्स में कन्वर्ट करना मैनेजमेंट का काम है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा